नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको सभी वीडियो देखने को मिले और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में डॉक्टर बनने के वो कौन से योग होते हैं जिनके द्वारा कोई भी जातक या जातिका डॉक्टर बनते हैं। देखिए, जीवन प्रदान करने वाला जो ग्रह है वह सूर्य देव हैं और मृत्यु के कारक जो है वह शनि देव हैं। और आठवां स्थान जो कुंडली का, ये आठवां घर है, ये मृत्यु का स्थान है। और मृत्यु के विरुद्ध संघर्ष करना और जीवन प्रदान करना ये डॉक्टर का व्यवसाय है। और सूर्यदेव को औषधि का कारक कहा गया है और शनि को मृत्यु का कारक। तो ये देखिए कुंडली, आप यहाँ दशमेश खुद सूर्यदेव हैं जिनकी सिंह राशि पड़ी हुई है। खुद यहाँ सूर्यदेव दशमेश है जिनकी लगन में, कुंडली के लगन में शनि के साथ युति हो रही है। दशमेश होकर सूर्य शनि के साथ युति कर रहे हैं कुंडली के लगन में। और उसके बाद शनिदेव अपनी दसवीं दृष्टि से इस घर को भी देख रहे हैं जो कि कुंडली का 10वां घर है, जहाँ से कैरियर व्यवसाय देखा जाता है। तो इस घर को भी देख रहे हैं अपनी दसवीं दृष्टि से। और उसके बाद जो लग्नेश है वो खुद मंगल देव है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल देव जो है उनकी अष्टमेश और आयेश, अष्टमेश और आय भाई कुमारी बुद्ध देव के साथ युति भी हो रही है। और इस कुंडली में एक बात और भी है कि लाभ स्थान में जो है शुक्रदेव बैठे हैं जो कि कुंडली का 11वां घर है। वहाँ शुक्रदेव खुद विराजमान है। और उसे पंचम स्थान में गुरु बृहस्पति जो कि मनोरंजन स्थान के मालिक भी है फिलहाल, क्योंकि इनकी ये अपनी राशि में ही है, मीन राशि में। तो अपनी राशि में ये बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्रदेव को भी देख रहे हैं। तो इन डॉक्टरों को फिल्मों में भी चरित्र अभिनेता का रूप में काम करने का लाभ मिला। सूर्य और शनि ये दो ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति विशेष को डॉक्टर बनने का व्यवसाय प्रदान करते हैं। जब इनकी युति या दृष्टि संबंध बनता है दशम भाव में या लग्नेश में, आयेश में, भाग्येश में, जब इन दोनों की युति या दृष्टि संबंध बनता है तब आदमी कोई भी जातक या जातिका डॉक्टर बनता है पूर्ण रूप से। जैसे मैंने बताया आपको कि दशमेश आपको सूर्य देव है जो कि कुंडली के पहले भाव में विराजमान है। और उसके बाद शनि के साथ युति भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव जो वो औषधि के कारक हैं और शनिदेव मृत्यु के कारक हैं। और कुंडली का जो अष्टम भाव है ये मृत्यु का स्थान है। अगर शनिदेव यहाँ भी बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से इस भाव को भी देखेंगे। और यहाँ बैठेंगे तो सप्तम भाव दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो शनिदेव की दृष्टि इस घर पर पड़ेगी या सूर्यदेव यहाँ खुद बैठेंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की अवसर होगा और वह गुण इसमें विद्यमान हो गए डॉक्टर बनने के लिए। तो सूर्य शनि की युति यहाँ इस कुंडली के पहले भाव में है और शनि अपनी दशम दृष्टि से इस घर को भी देख रहे हैं। और यहाँ खुद दशमेश सूर्यदेव भी है और दशमेश होकर सूर्यदेव शनि के साथ युति कर रहे हैं जो कि डॉक्टर का योग बना रहा है इस कुंडली में। और अष्टम भाव के मालिक जो बुधदेव, अष्टम और 11वें भाव के मालिक बुधदेव लग्नेश मंगल के साथ विराजमान है। तो इनका डॉक्टर होना भी स्पष्ट है। तो ये जिसकी कुंडली है ये बहुत बड़े डॉक्टर की कुंडली है और कई सालों से ये डॉक्टर के व्यवसाय में भी है। तो आज आपने जाना कि कुंडली में डॉक्टर बनने के वो कौन से योग विद्वान होते हैं जिनके कारण कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। मेरी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको मेरी सभी वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।